आज हम हिस्ट्री के वो चैप्टर को विजिट करने जा रहे हैं जो हमने सबने बचपन में जरूर पढ़ा है। ये एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर अजंता केव्स। सबसे पहले देखते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। ये औरंगाबाद से 105 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पहुँचने के लिए 2.5 टू 3 आवर्स लग जाएंगे। औरंगाबाद से आप डायरेक्ट गवर्नमेंट बस से भी यहाँ अजंता केव्स आ सकते हैं। बट अगर आप अजंता केव्स ट्रेन से आ रहे हैं तो उसके लिए जलगांव स्टेशन पास होगा, क्योंकि वहाँ से अजंता केव्स 60 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अगर अजंता केव्स खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो ये है उसके पार्किंग चार्जेस जो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पार्किंग एरिया से निकल के यू विल हैव टू वॉक थ्रू दिस शॉपिंग प्लाजा टूवर्ड्स द शटल बस। यहाँ पे सभी जगह साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जिसे फॉलो करके आप शटल बस तक पहुंच जाओगे। अब हम यहाँ वीकेंड पे आए थे इसीलिए इतनी भीड़ देखने मिल रही है, वरना शटल बस के लिए भी इतनी भीड़ नहीं होती। शटल बस का वन वे टिकट है ₹25 और ये गवर्नमेंट के बसेस हैं जो यहाँ से आपको अजंता केव्स के एंट्री पॉइंट तक लेके जाएंगे। इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर है। इस रूट को कई सारे लोग चल के भी कवर करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू टेक अ बस। तो ये बस के 10 मिनट्स की राइड से हम अजंता केव्स के एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको गाइड चाहिए तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है जिसके चार्जेस आप यहाँ देख सकते हैं, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे एंट्री गेट के पास ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी जिसके चार्जेस है ₹40 फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड फॉर NRIs इट इज 600। नाउ इफ यू हैव वीडियो कैमरा तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस भरने पड़ेंगे जिसके टिकट है ₹25। अगर आपको अजंता में रहना है तो उसके लिए बहुत ही कम ऑप्शंस हैं जो मैंने वीडियो के लास्ट में बताए हैं। तो अब चलिए अजंता केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। अजंता केव्स वे एक्सकवेटेड इन अ हॉर्सशू शेप बेंड ऑफ रॉक अलोंग विद द सीनिक वैली ऑफ रिवर वागूर। ये केव्स 2000 साल पुरानी है और कहा जाता है कि ये केव्स एंशियंट ट्रेड रूट पे बने हुए हैं। अजंता के टोटल 26 केव्स में से 5 चैत्यास यानी बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल है और बाकी विहारास है यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अजंता में कुछ सबसे फेमस केव्स हैं, जैसे कि केव नंबर 1, 2, 16 एंड 17, जहां पर आपको एंशियंट इंडियन वॉल पेंटिंग्स देखने मिलेंगी। द फ्रेस्को पेंटिंग्स हियर डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। द जटाका टेल्स हैव आल्सो बीन शोन इन द पेंटिंग्स। यहाँ केव्स में घूमने के पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो है केव्स के अंदर जाने के पहले आपको चप्पल बाहर निकालनी पड़ेगी हर बार, सो मेक श्योर आप थोड़ी कंफर्टेबल एंड इजी टू वेयर फुटवेयर पहन के आए। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है केव्स के अंदर फ्लैश यूज ना करें। केव नंबर 1 एक सबसे पॉपुलर केव है अजंता की। ये आर्किटेक्चर वाइज तो बड़ी है ही, बट साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे पेंटिंग्स देखने मिलेंगे पिलर से लेके सीलिंग तक। अजंता केव्स में आपको बहुत सारे बोधिसत्व पद्मानी पेंटिंग्स देखने मिलेंगे, पद्मानी यानी लोटस एंड बोधिसत्व यानी द वन हु एस्पायर्स टू बी बुद्धा। बाकी जो केव्स हैं जैसे कि केव नंबर 9, 10, 19 एंड 29, ये चैत्य गृह के नाम से जाने जाते हैं, यानी इसमें भगवान की पूजा की जाती थी। मॉनसून में यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे और उसे एंजॉय करते हुए कई सारे टूरिस्ट। ये वाटरफॉल्स बाकी सीजन में सूखे रहते हैं तो तब शायद ये चीज आप मिस करोगे। अब सारे केव्स घूमने के बाद अगर आपको इसके बर्ड्स आई व्यू चाहिए तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, बट ये व्यू पॉइंट की भी अलग हिस्ट्री है। आज हम जिसे व्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं ये वही जगह है जहां कैप्टन जॉन स्मिथ ने फर्स्ट टाइम अजंता केव्स को 1890 में रीडिस्कवर किया था। द ट्रेल लीडिंग टू द व्यू पॉइंट इज फिल्ड विद लश ग्रीन ट्रीज इन मॉनसून। दिस साइट ऑफर्स स्टनिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ अजंता केव्स फ्रॉम द टॉप। यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस टू सिट एंड रिलैक्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
इन सारे अजंता केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 3 to 4 hours, आधा दिन या एक दिन भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। अब बात करते हैं अजंता केव्स के टाइमिंग्स की। ये ओपन रहता है फ्रॉम 9 to 5:30 PM IST ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट मंडे। मंडे को अजंता केव्स बंद रहती है फॉर वीकली मेंटेनेंस। ये चीज याद रख के ही आप अपनी अजंता केव्स की ट्रिप प्लान करें। ये ट्रिप प्लान करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चलना पड़ेगा, इसीलिए कंफर्टेबल फुटवेयर जरूर पहनना। और केव्स में फ्लैशलाइट यूज करना मना है, इसीलिए अपने साथ एक टॉर्च ले सकते हैं टू सी द इंट्रिकेट पेंटिंग्स। Also, don't forget to carry a water bottle and some snacks to maintain energy level. अब बात करते हैं अजंता में स्टे की। यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे कि MTDC फरदापुर। इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है उनके साइट पे, और बेहतर होगा अगर आप इसे 1 month पहले ही बुकिंग कर ले, क्योंकि ये सोल्ड आउट हो जाता है। बाकी दो ऑप्शंस हैं होटल अजंता, अग्रवाल रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग। इन होटल्स के प्राइजेस 800 to 2000 के रेंज में है, बट यहाँ पे आपको हाई फाइव होटल्स नहीं मिलेंगे, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें तो बेटर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई और एक नई जगह पे। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।